अरे जवान भाई जी पापा बोलो। अरे मेरे बेटा इस जो हमारी टुकड़ी है कबूतरों की, इसमें सबसे अच्छा कबूतर आपको कौन सा लगता है? काला चांदना। कहाँ है काला चांदना? वाला। कौन सा? वो जो उड़ के गया ऊपर। हाँ। भाई ये जवान भाई आपका पसंदीदा कबूतर है? हाँ। पापा बाल्टी में घुस गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और सभी भाइयों को राम राम। तो गाइस दिल्ली पिजन लवर्स में आपका स्वागत है। और भाई बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई 15 अगस्त का टाइम था और इस टाइम कोई खास कबूतरबाजी भी नहीं हो रही। बस आता हूँ, दाना वाना करता हूँ कबूतरों का और बंद करके चले जाता हूँ। गर्मी बहुत हो रही है और सारे कबूतर मेरे जितने भी हैं सब झाड़ में लगे हुए हैं, कुरेज करे हुए हैं भाई। मगर अब काफ़ी हद तक थोड़े कबूतर कोंचे वगैरह बढ़िया आ गई हैं, सही हो गए। और आज हमारी छत पर आए हुए हैं जुनैद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो भाई आज ही हमारी छत पर आए हुए हैं, इनके लका कबूतर थे मेरे पास, तो अब ये उन कबूतरों को लेने आए। मगर ये कह रहे हैं भाई अगर किसी को ख़रीदने हो ये कबूतर, तो ये भाई कह रहे हैं मैं सेल कर दूंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है रखने की। और भाई मैं इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि मेरा ठाटर है पूरा खुला हुआ चारों तरफ से, क्या फ़ायदा, बेचारे बीमारी मार हो जाएंगे। लगा कबूतर है, ऐसी होता है ये नस्ल के कबूतर, फैंसी कबूतर हैं। तो ये लेना है, इन्हें दूंगा अभी निकाल कर। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जो मेरी कबूतरबाजी की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। सीज़न आने वाला है बहुत जल्दी, इंशाल्लाह आपके लिए रोज़ वीडियो आएगी। चैनल सब्सक्राइब करके रखो और शेयर करो दबा के। और जो मेरा साहिल खान व्लॉग है भाई, उसको भी आप सपोर्ट करो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सबसे पहले खोलता हूँ मैं अपने कबूतर, दिखाता हूँ आपको कबूतरों की कंडीशन कि कैसी हो गई है। कबूतर मतलब कितने हद तक सही हो चुके हैं कुरेज से, वो आपको देखने में पता लग जाएगा। आपको कबूतर दिखाता हूँ, गर्मी पड़ रही है बहुत, वो रखी कुंडी भरता हूँ पानी की, वो रखता हूँ सबसे पहले पिलाऊंगा पानी, क्योंकि कबूतर होता है प्यासा, पानी पिलाऊंगा उसके बाद दाना वाना दूंगा इनको, ठीक है भाई। और दाना कैसे देना है अभी दिखाता हूँ आपको। अब देखो ये पानी रखूँगा मैं, कबूतर निकलते के साथ ही पानी पियेंगे सबसे पहले भाई, क्योंकि गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही है। तो सबसे पहले जो है पानी भर देता हूँ मैं। ये भर दिया भाई मैंने पानी, अब मैं इसमें ले लेता हूँ दाना। इसमें अब दाना ले लेता हूँ। इस दाने को भाई धो लेते हैं बढ़िया करके, क्योंकि गर्मी पड़ रही है भाई। और बाजरा जो होता है वो होता है गर्म, तो जितने भी भाई हैं जो नए कबूतरबाज हैं, जो बेचारे जिनके पास कोई उस्ताद वगैरह नहीं है, तो वो देख लो बाजरे को बढ़िया करके धो के ही देना है। उस थोड़ी देर 10-15 मिनट जो है ना बाजरा पानी में भीगा रहने देना, उससे क्या होगा दाना एकदम ठंडा। पानी और डाल लेता हूँ इसमें। अब इसको जो है थोड़ी देर भिगा के रखना दाने को, और इसकी गंदगी वगैरह सारी निकल जाएगी, ये बढ़िया करके साफ हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ी देर भिगो के रख दो ऐसी। अब खोलता हूँ मैं कबूतर का। तो गाइस अब खोलता हूँ मैं कबूतर और दिखाता हूँ आपको कबूतर की कंडीशन क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि कुरेज में कबूतर लगे हुए हैं इसलिए ज़्यादा मैं इनके साथ तिकड़मबाजी कुछ कर नहीं रहा। बस आता हूँ दाना खिलाता हूँ और बंद कर देता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे भाई वीडियो क्यों नहीं लेके आ रहे, तो भाई बस फटाफट, मुझे भी गर्मी हो रही है, भागना पड़ता है नीचे, तो बस फटाफट चला जाता हूँ। आओ बेटे, ये खुल गया भाई कबूतर सारे, देख लो कितना प्यासा है कबूतर, सबसे पहले पानी पी रहा है कबूतर। देख सकते हो भाई कबूतर झाड़ झूड़ करके काफी हद तक अब सही हो चुके हैं कबूतर, मतलब कोंचे भी आ गई हैं कबूतरों की। अब ज्यादा तिगड़म में इसमें से नहीं कर रहा क्योंकि ये फटफटा जाएगी इनकी। ये देख लो भाई, बहुत से लोग जो हैं भाई, गाइस मैंने आपको दिखा दिया, मैंने पानी रखा
और पानी भाई मैं जो है जाल में इसलिए नहीं रखता भाई, देखो जाल में अगर कुंडी वगैरह भर के रख दो ना तो कबूतर जो होता है क्या काम करता है, पानी गंदा कर देता है कबूतर, चाहे आप उसे कितना भी उसे ढक के रख लेना कि कबूतर नहाए ना, फिर भी वो बीट वीट करके कर देता है पानी गंदा, और जब कबूतर वो गंदा पानी पीता है तो भाई उससे कबूतर हो जाता है बीमार। तो मैं इसलिए जो है ना चाहे कबूतरों को दिन में 2 टाइम पानी पिला देता हूँ आकर, मगर मैं कुंडी जो है जाल में नहीं रखता, क्यों पानी बीट का जाता है गंदे होता है, कबूतर उसी में चोच मारते रहता है, उससे कबूतर जो है ना बीमार होने के ज़्यादा चांस होते हैं कबूतर के। तो मैंने अब पानी पिला दिया है, अब कबूतर शांति में आराम से बैठा हुआ है, दाना खिलाऊंगा थोड़ी देर बाद इन कबूतरों को, ठीक है भाई। गाइस ये दाना मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया है, थोड़ी देर पानी के अंदर भिगो के रख दिया है दाना, और ये थोड़ी देर बाद ये दाना खिलाऊंगा मैं कबूतरों को। कुरेज का दाना जो है वो मैं इन्हें खिला चुका हूँ, अब इन्हें मैं जो है सादा बाजरा ही खिला रहा हूँ भाई। आओ बेटे आ आ आ बेटे, और माशाल्लाह काफ़ी हद तक कबूतर सही हो गए। हाँ बेटा भाई जवान भाई कह रहे हैं मैं भी खिलाऊंगा, चलो खिला दो बेटा, बस बस कम डाला करे करो। तो भाई ये आप एक एक कबूतर देख लो, माशाल्लाह काफ़ी हद तक कबूतर अब सही हो गए, कुरेज उरेज से इंशाल्लाह 20-21 दिन में चौकस हो जाएंगे कबूतर, फिर आपको इनकी उड़ान दिखाएंगे, इनकी लड़ाइयाँ भी दिखाएंगे, तावे बंद करके दिखाएंगे कबूतर। और ये हमारे जवान भाई, हाँ भाई जवान भाई अपने आप खा रहे हैं, ठीक है भाई कैसी खाते हैं बेटा ये। तो जुनैद भाई से बात करेंगे, जुनैद भाई ये बताओ ये आप लगा का जोड़ कितने तक का दे दोगे भाई? दे देंगे सस्ते से सस्ता जो सस्ता भी, चलो आपका मैं नंबर दे दूंगा भाई, जुनैद भाई हैं, मैं लका कबूतर दिखा देता हूँ। ये लका कबूतर देखो ये पड़े हुए ठाटर में, ये रहे ये लका कबूतर पड़े हुए हैं ठाटर में, दो है जोड़ा है पूरा पूरा जोड़ा है, ठीक है ये रहा पूरा जोड़ा है भाई ये टेल्ला। तो मैं जो है अरे जवान भाई अरे मेरे बेटा इस जो हमारी टुकड़ी है कबूतरों की, इसमें सबसे अच्छा कबूतर आपको कौन सा लगता है? कहाँ है काला चन्ना कौन सा वो जो उड़ के गया ऊपर? भाई ये जवान भाई आपका पसंदीदा कबूतर है? बाल्टी में घुस गया। तो जवान भाई ये काला चन्ना कबूतर आपको बहुत अच्छा लगता है? क्या कहाँ पड़? हाँ बेटा वो बैठ के धूप सेक रहे हैं भाई। जवान भाई को भी पता है काला चन्ना कौन सा, कौन सा जवान भाई काला चन्ना इनमें से, काला चन्ना कौन सा इनमें से? दीवार पे खड़ा है, उसने पैरों में क्या पहन रखा है? हरी चूड़ी। हाँ देखो बेटा जवान जवान को भी पता है काला चन्ना कौन सा, और इस जवान का पसंदीदा कबूतर है, कहता पापा मुझे बहुत अच्छा लगता है काला चन्ना, ठीक है बेटा। हटाओ इन्हें हटाओ, ये डाल दिया भाई जवान भाई ने दाना। हाँ तो सर्दियों में दिखाओगे लोगों को अपना शौक? सर्दियों में सर्दियों में दिखाओ। कितने कबूतर हैं आपके पास जवान भाई? होंगे 100 सौ होंगे 100 कबूतर। अच्छा जवान भाई इसमें जंगला कबूतर कौन सा है? जंगला कबूतर कौन सा इनमें से? हाँ जंगला कबूतर कौन सा वाला इनमें से? मिट्टी खा रहे हैं? हाँ तो हटा के आओ, इन्हें मिट्टी खा रहे हैं। जवान भाई भाई ने मट्टी खाने नहीं देते, और जवान भाई कहते हैं पापा ये मट्टी खाएंगे ना ये तो इनके पेट में कीड़े हो जाएंगे, ये जवान भाई के वर्ड है, क्योंकि मैं भी मट्टी नहीं खाने देता था जवान को, तो जवान इन्हें भी मट्टी नहीं खाने देता, कहता है इनके पेट में कीड़े हो जाएंगे मट्टी नहीं खाने दूंगा मैं इन्हें। जवान भाई आपने बताया नहीं इसमें जंगला जंगला कबूतर कौन सा है? जंगला कबूतर कौन सा है इनमें से? उस दिन तो तुम बता रहे थे कि पापा ये जंगली कबूतर बिल्कुल जंगले जैसा है जो पत्थर पे बैठा था। वो बैठा हुआ पत्थर पे। कौन से पत्थर पे? तो गाइस किसी भाई को लका चाहिए हो ना तो जुनैद भाई कह रहे हैं
कि भाई ये लका मैं सेल कर दूंगा, तो भाई का डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, तो आप वहाँ से टाइटल और डिस्क्रिप्शन से भाई का नंबर निकाले बात कर लेना, कितने के देंगे एड्रेस बता देंगे भाई, ठीक है। कबूतर दिखा देता हूँ आपको लगा, ये देखो जी ये है लगा कबूतर, ये लगा कबूतर है भाई। देखो ये उड़ते उड़ते तो है नहीं, ये फैंसी कबूतर होते हैं, फैंसी कबूतर होते हैं, और प्लस दोनों जो ये कबूतर हैं दोनों चोटीदार हैं, ये देखो फैंसी कबूतर होते हैं, अंडे बच्चे करते हुए कबूतर हैं। इनका बच्चा भी था मेरे पास, वो मर गया ज़रा क्योंकि बारिश बारिश ज़्यादा पड़ रही थी। ये नर है और जो मादिन है वो अंदर है, दिखा देता हूँ मादिन भी आपको, ठीक है। ये देख लो भाई, ये पूरा जोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ये है भाई जोड़ा, लका का जोड़ा है ये, ठीक है। और ये दोनों कबूतर दे देंगे जुनैद भाई, ठीक है। इसमें और कबूतर भी मेरे पड़े हुए हैं, मगर ये दो कबूतर ही सेल के हैं, नरमादिन दोनों, दोनों चोटीदार हैं, अंडे बच्चे करते हुए। और ये कबूतर मैंने कर दिए हैं बंद, दाना वाना इन्हें खिला खिलू के अंदर बैठे हुए हैं भाई सारे पतवासों पर चौकस। तो गाइज ये जुनैद भाई हमारे, ये कबूतर अपने लेके जा रहे हैं वापसी, तो जिस भाई को भी चाहिए होंगे वो बता देना, ठीक है। अब इस फटकी में कबूतर रखे जाएंगे दोनों, और लेके जा रहे हैं अभी अपने कबूतर, दोनों लगा कबूतर हैं इनके, दोनों लेके जा रहे हैं। जिसको चाहिए हो वो भाई से कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टाइटल में नंबर दे दूंगा, सेल कर देंगे भाई ये। डल गए फटकी में, ये हो गए बंद, ये हो गई फटकी बंद, दिखा दो भाइयों करके। तो गाइस आज दिखाया मैंने अपनी छत का शौक आप लोगों को, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और जो भाई जिस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहता है ना तो मुझे बता दे, कमेंट कर देना कि साहिल भाई इस चीज पे वीडियो बनाओ, हमें इस चीज़ के बारे में जानना है, तो मैं उस पर ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा पूरी पूरी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहता है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।